नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और देखिए, यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सत्संग में मची भगदड़ के बाद लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अब तक यह आंकड़ा 121 हुआ है। और इन मौतों के बाद हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हालत इस कदर बिगड़ गई कि लाशों के ढेर लग गए हैं। इस पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है और इस पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, उसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हाथरस सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घायलों ने आंखों देखी मौत के तांडव की कहानी बताया कि सत्संग खत्म होते ही भीड़ खेतों से गुजर रही थी। यहां एक खेत दूसरे से नीचे था, अचानक पीछे से भीड़ उमड़ी और लोग उसमें गिरने लग गए। भीड़ का सैलाब ऐसा उमड़ा कि लोग गिरते चले गए और देखते ही देखते लोगों की मौत हो गई। हादसों के बाद अपनों को तलाशती रही आंखें। पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है, जांच के आदेश भी दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मरने वालों के स्वजन को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या फिर साजिश। प्रदेश सरकार पूरी घटना की जांच करा रही है, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहाँ पर घटनास्थल पर ही कैंप करके
घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हज़ार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। तो देखा, अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, विशेष कमेटी तैयार की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विशेष जांच की जाएगी कि आखिर ये केवल हादसा है या इसके पीछे भी किसी की साजिश है। अब इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से संवाददाता नंदू कश्यप, हमारे साथ उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। नंदू बताइए, फिलहाल जो है अगर देखा जाए इतने लोगों की जान जा चुकी है, मात्र कोर कमेटी के द्वारा 80,000 लोगों की जो है अनुमति ली गई थी और 2.5 लाख लोगों को वहां पर बुला लिया गया है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए आपको बता दें कि उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के 3 बड़े मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह के साथ साथ 80 करोड़ को भी हाथरस जो है मौके पर भेजा। साथ ही आपको बता दें कि 27 जो है सब उनके पोस्टमार्टम कराने के लिए एटा भेजा गया। इसी तरीके से इलाज अलग अलग जो है जनपद में लोगों को बेहतर इलाज के लिए वहां से रेफर किया गया है। रही बात आपको बता दें कि किसी भी लापरवाही तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि न केवल आयोजक मंडल की लापरवाही है, इसके साथ साथ जिला प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस तरीके से 80,000 लोगों FIR में जिस तरीके से बताया गया कि 80,000 लोगों की जो है परमिशन मांगी गई थी और 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहाँ एकत्रित हो गए। यातायात के बहुत ज्यादा अच्छे जो है इंतजाम नहीं किए गए थे, भीड़ को जो है संतुलित करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे इंतजाम नहीं थे और जिसकी वजह से भगदड़ मची और सैकड़ों लोग इस बड़े हादसे में जान गंवा दिए। बिल्कुल नंदू, और अब तक जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं और उसमें जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है बाबा, जिनका सत्संग आयोजन किया गया था, उनके खिलाफ क्या FIR दर्ज हुए हैं? क्योंकि अब तक के जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया है, तो बाबा को कौन बचा रहा है? विपक्षी जो है अब इस पर राजनीतिक शुरू कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए FIR की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो बाबा का नाम भी FIR के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें मुख्य सेवादार हैं जो देव प्रकाश नाम के मुख्य सेवादार, उनके विरुद्ध और अज्ञात लोगों, नंदू जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, PCR से आवाज देंगे। FIR जो है दर्ज कर लिया है, साथ ही बाबा का नाम अभी भी FIR से दूर रखा गया। जी जी नंदू जी, हेलो जी नंदू जी, कहेंगे मेरे कहने का मतलब ये है कि FIR की अगर बात की जाए तो FIR में अभी तक जो है बाबा का नाम जो है दूर रखा गया है, जो मुख्य सेवादार हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध जो है हाथरस में FIR दर्ज की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बाबा को बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बाबा को बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं? जी
बिल्कुल नंदू जी, फिलहाल जो है अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कही जाए तो क्या कुछ मुआवजे की बात कही गई है? हालांकि पूरे मामले पर लीपापोती तो की जा रही है, भले ही प्रशासन करे, सरकार करे या फिर जो कोर कमेटी के लोग हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मुआवजे की अगर बात करें, जैसे ये मामला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया है, सरकार उन्होंने मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिए जाने की तरकार घोषणा कर दी है। रही बात मामले की पूर्ति करने की, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी जो छवि है वो निश्चित ही एक कड़े रुख अपनाते देखा जा सकता है, उनको कड़े रवैये अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जी है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी दूसरी को पकड़ा नहीं जाएगा, घटना के पीछे जो भी लोग हैं उनके नाम उजागर कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनके निर्देश। बिल्कुल नंदू जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही सवाल किया था कि मात्र कोर कमेटी के द्वारा 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी और भीड़ जो है 2.5 लाख लोगों की हो गई, तो उस हिसाब से क्या तैयारी की गई थी, क्या कुछ चूक हुई है, क्या कुछ तैयारी किया जाना चाहिए था जिससे कि इतना बड़ा घटना जो है, इतना बड़ा हादसा टल सकता था? देखिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं है, दूसरी बात ये है कि पहला आयोजन नहीं है। इस तरीके के आयोजन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होते रहे, चाहे वो भोले बाबा हो, चाहे कई और इस तरीके के धार्मिक बाबा हैं, उनके कार्यक्रम आयोजित होते हैं और इसी तरीके से प्रशासन अनुमति देता है, लाखों की संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब ये जो कार्यक्रम की अगर बात की जाए, इसी तरीके से ये जो भोले बाबा का कार्यक्रम हाथरस में जो आयोजित हुआ था, बाकायदा जो 80,000 की भीड़ की अनुमति मांगी, 2.5 लाख 3 लाख लोग जो है एकत्रित हो गए और भगदड़ मची, भगदड़ में जो है सैकड़ों लोग बिल्कुल जिनके द्वारा सत्संग आयोजित की गई थी, नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा जो है उनकी ये सत्संग थी, इसे लेकर लोग मौजूद थे, हालांकि उनके लिए एक अलग रूट तैयार किया गया था, तो क्या पहले से कोर कमेटी जानती थी कि ऐसा कुछ हादसा हो सकता है? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी सरकार जो प्रशासन का कहना, प्रशासन के लोगों का ये कहना कि ये तरीके के हादसे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, रही बात अनुमति की, तो कम लोगों की अनुमति मांगी है और उस तरीके से प्रशासन वहाँ इंतजाम किए हुए थे, हालांकि भीड़ ज्यादा संख्या में पहुंची और इसलिए जो है भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मची और भगदड़ की वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हो गया। अब एक दूसरे के ऊपर ये टाल मटोल चल रही है, कोई भी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना तो प्रशासन और ना ही अभी तक। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद बाबा या बाबा के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आना चाहिए था और हादसे के बाद मदद करनी चाहिए थी, लोगों का रेस्क्यू करना चाहिए था, उनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए था, मदद कर उनको इलाज की बेहतर व्यवस्था करानी चाहिए थी, मगर अभी तक बाबा और बाबा के जो लोग हैं वो कोई भी व्यक्ति ऐसे देखने को नहीं मिले, चाहे एटा की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें, चाहे आगरा की बात करें, चाहे अलीगढ़ बात करें, कोई भी व्यक्ति उनके जो है उनके मौजूद तक नहीं पहुंचा थी। बिल्कुल नंदू, इसके साथ ही अगर न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, देश भर में राजनीति भी शुरू हो गई है और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है कि इसके पीछे साजिश भी हो सकती है, अब विपक्षी ये अपने ऊपर ले रहे, कह रहे क्या हम साजिश करेंगे इसमें, इस पर क्या कुछ राजनीति चल रही है? देखिए जांच का विषय है और ये इसमें अभी बहुत ज्यादा कुछ कह पाना जो है जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि तमाम जांच कमेटियां लगाई गई, तमाम जांच एजेंसियों को भी जो है इसमें लगाया गया है, अब जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रशासन का कहना है कि जो है ठोस कार्रवाई की जाएगी, कड़ी 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 कड़ी। बिल्कुल नंदू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए और इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं हाथरस में जो फिलहाल ये हादसा हुआ है, इसके पीछे हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से सत्संग का आयोजन किया गया, 80,000 लोगों की अनुमति ली गई, 2.5 लाख लोगों की भीड़ वहां मौजूद हुई, प्रशासन की तरफ से अगर बात कही जाए तो प्रशासन की तरफ से काफी कम लोग मौजूद थे, एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो नहीं दी गई थी, जिन रास्तों से बाबा गुजर रहे थे, जिन रास्तों से सत्संग में आए हुए श्रद्धालु गुजर रहे थे, वहां पर बैरिकेडिंग भी ना के बराबर की गई थी। यही वजह है कि जब एक साथ सत्संग कर बाबा वहां से निकले तो उनके पीछे श्रद्धालुओं की जो है भीड़ निकली और वो भीड़ एक दूसरे पर हावी हो गई।
गई, लोग खेत ऊपर नीचे थे, खेतों में लोग गिरते चले गए, और उसके बाद आप देख सकते हैं अस्पतालों में जो है लोगों की मरने की मृत्यु की संख्या जो है उसकी दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लाशों के ढेर बिछे हुए हैं, और फिलहाल इसके पीछे का जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं जो बाबा है वो जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, अब इस पर देखना होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।